हे गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज वेटेज फॉर बायोलॉजी फॉर नीट 2021। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होगा। मतलब आपका जो सेशन होगा आज का, वो बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को, इस 30 मिनट्स के वीडियो लेक्चर को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो, तो आपका जो भी डाउट है बायोलॉजी के बारे में नीट 2021 के लिए, मतलब कौन से यूनिट से हमको स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे हमको ज्यादा फोकस करना है, वो सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो सेशन को एंड तक देखते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आई एम 100% श्योर। सो गाइस, आई एम दीपक सावंत, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कौन से यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से उस टॉपिक में से कौन सा चैप्टर में से कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे गाइस, आपको मालूम है कि देर आर 10 यूनिट्स बायोलॉजी में। अगर हम देखते हैं तो टोटल 10 यूनिट्स है आपके, 5 यूनिट्स आपके 11th में है और 5 यूनिट्स आपके 12th में है। अब हमारा ये होता है कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि कौन सा यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स बताते कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, कुछ टीचर्स ये बताते कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट आज मैं जो आपको बताऊंगा वो पिछले 5 साल का एनालिसिस करके मैंने ये बनाया कि कौन से टॉपिक में से पिछले 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, कौन से यूनिट में से, कौन से टॉपिक में से और कौन से चैप्टर में से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, उसकी बात हम करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो सेशन को एंड तक देखिए, इट विल बी 100% बेनिफिशियल टू यू फॉर नीट 2021। सो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड 11 में 5 यूनिट है, स्टैंडर्ड 12 के अंदर 5 यूनिट्स है। अब हम ये होता है कि हम कौन से यूनिट को सबसे ज्यादा फोकस करें। अगर सबसे ज्यादा, यस सबसे ज्यादा, अगर आपको इस मतलब आपके पास जो भी टाइम बचा है, तो कौन सा ऐसा यूनिट है जिसको आपको पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है, उसके एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को, एक एक डायग्राम को आपको प्रिसाइसली पढ़ना है, तो वो जो हमारा फर्स्ट जो यूनिट होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। यस, हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि अगर 10 यूनिट का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 12-14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। अगर इसका वेटेज देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो 20% इसका वेटेज होता है। सो ये जो 10 यूनिट है उसमें से सबसे ज्यादा जो हमारा ये इंपॉर्टेंट यूनिट होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। यस, ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो आप लोग अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में उसको टिक कर लो कि आपको शुरू कौन से यूनिट से करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है इस यूनिट को बच्चों, तो प्लीज इसको फिर से रिवाइज कर लो। अगर ये यूनिट नहीं हुआ तो आपके नीट के 2021 में अच्छे मार्क्स आने की गारंटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्लीज आप टिक कर लो कि ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई यूनिट है, करना मतलब करना ही है। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टैंडर्ड 11 का 5th नंबर का जो यूनिट है, इसके अंदर देर आर 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर के इसके अंदर दिए हुए। 7 चैप्टर में से जैसे देखते हैं कि आपका चैप्टर 16 होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 17 जो है आपका ब्रीथिंग, देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड जो लास्ट चैप्टर है आपका 22 वो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से अब इस चैप्टर में आप कौन से चैप्टर, मतलब कि इस यूनिट में कौन से चैप्टर से शुरुआत करोगे, तो आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा ये 7 चैप्टर में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, वो होगा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट चैप्टर आपका होगा।
जिससे आप शुरुआत करोगे, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन अगर ये 20% लेके चलते हैं, 12 से 14 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसमें से भी अगर आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 21% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद आप ब्रीथिंग को कर सकते हो, चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग हम पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो आपका होगा वो होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन एंड देन लोकोमोशन। सो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा यूनिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उस यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम देखते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन से टॉपिक पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो जो आपका टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इट इज वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट IMP टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कार्डियक वैल्यू, कार्डियक साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कार्डियक साइकिल के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे बच्चों, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन, ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन। जो नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूरॉन के बारे में फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सो हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट होगा वो होगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो हमारा सेकेंड जो यूनिट होता है दैट इज द जीनेटिक। सेकेंड जो हमारा यूनिट होगा वो होगा हमारा जीनेटिक, जो स्टैंडर्ड 12th का 7 नंबर का यूनिट है। तो सेकेंड जो हमारा यूनिट होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका जीनेटिक। तो जीनेटिक्स में से अगर आप देखोगे तो 18% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18% क्वेश्चन, मतलब कि 8 to 10 क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें से 10 समझते और इसमें से अगर 6 क्वेश्चन समझते तो भी 16 क्वेश्चन ये दो यूनिट में से आते, जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बराबर। तो जीनेटिक एंड इवोल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जीनेटिक एंड इवोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से चैप्टर पे हमको फोकस करना है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जीनेटिक एंड इवोल्यूशन तो जिसमें थ्री टॉपिक्स। जो फिफ्थ नंबर का हमारा जो टॉपिक होगा स्टैंडर्ड 12th का, तो फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देन सिक्स नंबर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देन सेवन नंबर जीनेटिक एंड इवोल्यूशन। नाउ ये जो जीनेटिक जो है इसमें तीन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये तीन चैप्टर में से कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जीनेटिक में से ये डाउट होता है कि सर कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर से हम यूनिट, हमको मालूम पड़ गया कि भाई जीनेटिक एंड इवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ तो इसमें से जो 5, 6, 7 चैप्टर है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये यहां से मतलब जीनेटिक में आप फिफ्थ नंबर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका वेटेज 18% समझते तो 36% क्वेश्चन फिफ्थ नंबर में से आते, फिफ्थ नंबर में से आते। देन जो हमारा सेकेंड होगा वो होगा आपका जो जीनेटिक एंड इवोल्यूशन का जो 7th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, वो आपको पढ़ना है। एंड देन उसके बाद 6th नंबर का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अब अगर हम टॉपिक की बात करें कि जीनेटिक्स में हम पढ़े क्या, बट तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि कभी कभी जीनेटिक में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं जीनेटिक में से। पर अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, सॉरी चैप्टर पे आपको फोकस करना है। अब कौन से ये चैप्टर में से कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो वो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो पढ़ना है आपको। डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है आपको,
बराबर। मेंडेल्स लॉ, यस मेंडेल्स लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में से भी एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो पेडिग्री एनालिसिस है आपका। देन आप देखोगे तो सिंगल सेल प्रोटीन आप पढ़ सकते हो, बायो फर्टिलाइजेशन बराबर, प्लांट ब्रीडिंग ये आप पढ़ सकते हो, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी अब जीनेटिक में इंपॉर्टेंट है, डू अवर डाइट टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट, ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। नाउ अब ये दो यूनिट के बाद, मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जीनेटिक के बाद, जो आपके लिए जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो यूनिट है आपका चैप्टर इलेवन का फर्स्ट यूनिट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो इसका अगर हम वेटेज देखते हैं, ये थर्ड नंबर का होगा हमारा। ये दोनों के बाद आप जो चैप्टर को फोकस करोगे वो होगा आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका अगर हम वेटेज देखते हैं तो 14% इसका वेटेज है, 14% डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस, सो नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसमें से कौन से टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देर आर फोर चैप्टर, चार चैप्टर है वहां पे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है वो है आपका प्लांट किंगडम, एंड जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज द एनिमल किंगडम। यूनिट वन, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ ये जो चार चैप्टर है, अब शुरुआत कौन से चैप्टर से करोगे? तो शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर, सॉरी शुरुआत हम करेंगे प्लांट किंगडम से, क्योंकि अगर ये चार चैप्टर में से भी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से अगर हम देखते हैं तो कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका प्लांट किंगडम। यस प्लांट किंगडम, अगर हम इसका 40% वेटेज पकड़ते हैं तो 41% जो क्वेश्चन है वो प्लांट किंगडम में से पूछा जाता है। तो आपको शुरुआत करना है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम के बाद आप दूसरा जो चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ेंगे हम एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद जो आपका थर्ड जो चैप्टर होगा, मतलब के सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस सेकेंड, स्टैंडर्ड 11 का सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, जिसका भी अप्रोक्सीमेटली वेटेज 20% है टोटल यूनिट वन का। 20% क्वेश्चन, मतलब यूनिट वन में जो 14% क्वेश्चन है उसमें से भी 21% क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड 11 का सेकेंड नंबर का चैप्टर है। एंड देन फिर लिविंग वर्ल्ड से, तो आपको फोकस क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड थोड़ी नजर डाल दोगे तो भी चलेगा, बट जो आपको फोकस करना है वो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहां पे जो आप देखते हो कि ये जो फर्स्ट जो आपका यूनिट है, ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें आप पढ़ोगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन, हम पढ़े तो पढ़े क्या। तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल तरीका है आपको पढ़ना क्या है। यहां पे ये जो चार चैप्टर है हमारे, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एंड लिविंग वर्ल्ड है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको पढ़ना है इसमें जितने भी एनसीईआरटी के इस चार टॉपिक में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए वो सारे एग्जाम्पल, बराबर सारे एग्जाम्पल आपको रट लेना है, सारे एग्जाम्पल आपको रट लेना है, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं इस यूनिट में से। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए वही एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, कोई भी बाहर वाले एग्जाम्पल आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़े या वो पढ़े। आपको बायो स्कूल की सॉरी ट्यूशन में से जो नोट्स दिए उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, फिर भी एग्जाम्पल ओनली एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं, प्लीज बी श्योर। ओके, दूसरा आपको पढ़ना क्या है, कॉमन नेम, जो नेम है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो हमने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जो हमने क्लासिफाई किया वो कौन से बेसिस पे किया है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो होगा वो होगा आपका यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम, जो अलग अलग फाइलम है उनके यूनिक फीचर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो सबसे ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी में जो आपको पढ़ना है वो है फंजाई के बारे में एंड मोनेरा के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, प्लांट की लाइफ साइकिल को आपको पढ़ना है, जैसे कि ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है, वो भी आपको पढ़ना है। ओके, नाउ जो हमारा फोर्थ नंबर का जो हमारा यूनिट होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो फर्स्ट होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके बाद आप लोगे जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, उसके बाद लोगे आप स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ जो फोर्थ आपका जो यूनिट होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका रिप्रोडक्शन। यस, स्टैंडर्ड 12 का सिक्स नंबर का यूनिट होगा आपका रिप्रोडक्शन। सो जो फोर्थ यूनिट आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन का अगर आप वेटेज देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 9-10% वेटेज होता है इसका, 9-10% वेटेज रिप्रोडक्शन का होता है। नाउ सो फ्रेंड, जो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में से कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो टॉपिक होगा आपका वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड जो टॉपिक होगा वो आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड जो फोर्थ नंबर का जो आपका चैप्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस बर नाउ, अब ये जो चार चैप्टर है हमारे बर, ये चार चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रोडक्शन, ये अब इसमें से हम कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर। तो आपका जो होगा इसमें जो आपको सबसे पहले जो चैप्टर शुरुआत करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यस, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक, ये चारों टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं। अगर वेटेज वाइज देखें तो जो इसका जो वेटेज है 9% जो वेटेज है रिप्रोडक्शन का, उसमें से 52% वेटेज, मतलब ऑलमोस्ट 4.5% वेटेज तो सिर्फ आपको, मतलब 4.5 क्वेश्चन मतलब रिप्रोडक्शन में से आपको पूछे, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद होगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है अच्छी तरह से पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। यस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ सकते हो। नाउ अब ये जो फोर्थ, हमको ये तो मालूम पड़ गया कि भाई फोर्थ यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल वेटेज में से, जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 9% क्वेश्चन आपके रिप्रोडक्शन में से पूछे जाते, जो स्टैंडर्ड 12 का हमारा फर्स्ट यूनिट होगा, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 6 यूनिट होगा हमारा बायोलॉजी का। नाउ टॉपिक भी, चैप्टर भी हमने देख लिया, अब कौन से टॉपिक इसमें हमको ज्यादा फोकस करना है, तो जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं तो वो है हमारा पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल डायग्राम, ये आपको पढ़ना है। एनिमल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव MTPE, और उसके बारे में आपको पढ़ना है। अंडरस्टूड ब्रो? नाउ अब जो हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो यूनिट होगा फिफ्थ नंबर का, कौन सा फिफ्थ नंबर का हमारा कौन सा यूनिट होगा, तो वो होगा आपका फिफ्थ नंबर का जो हमारा यूनिट होगा, सो दैट इज द यूनिट 7 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यस, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये फिफ्थ नंबर का हमारा यूनिट होगा। इसका भी वेटेज आप देखोगे तो 9% है, बट अगर ये दोनों में से अगर हम चॉइस लेते हैं तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, अगर दोनों को कंपेयर कर, क्योंकि दोनों का वेटेज आप देखो 9% है, बट रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले आपको रिप्रोडक्शन के बारे में श्योर हो जाना है, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको श्योर होना जाना हो जाना है बराबर। नाउ अब रिप्रोडक्शन में, सॉरी ये जो आपका यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आप देखोगे तो दो चैप्टर है हमारे लिए। 8 नंबर का चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड 10 नंबर का चैप्टर है, सॉरी तीन चैप्टर है, 9 एंड 10 नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बट इसमें से जो 8 नंबर का जो हमारा टॉपिक है, 8 नंबर का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आपको कर लेना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसके बाद
10 नंबर का और देन आपको 9 नंबर का करना है और देन आपको 9 नंबर का करना है। ओके गाइस, सो नाउ अब जो हम देखते हैं तो कौन से चैप्टर पे हम फोकस करें, बराबर कौन से चैप्टर पे सॉरी कौन से टॉपिक पे हम फोकस करें उसके बारे में जैसे हम देखते हैं तो ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज, बराबर तो डिजीज के बारे में जैसे आप देखते हो एलर्जी एचआईवी वायरस या उसके बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंगल डिजीज के बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, इसके ऊपर यू हैव टू फोकस। नाउ नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर का यूनिट होगा वो होगा सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो स्टैंडर्ड 11 का 3rd नंबर का जो यूनिट है बट हमारा 6 नंबर का यूनिट होगा, मतलब कि जो 6 यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर इसका वेटेज देखा जाए तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8% है, 8% मतलब रिप्रोडक्शन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड सेल स्ट्रक्चर ये दोनों अगर देखा जाए तो आपके सॉरी ये तीनों अगर आपके देखा जाए तो इक्वल है, बट एज वी नो दैट के जैसे सेल के बारे में हम ज्यादातर बींग अ बायोलॉजी स्टूडेंट सेल के बारे में हम सबको नॉलेज होता है सेल के बारे में, इसके लिए हम ज्यादा फोकस करते हैं रिप्रोडक्शन एंड देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर डिजीज है ये है बर, और फिर हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करते हैं क्योंकि ये ओवरऑल थोड़ा इजी चैप्टर होता है, थोड़ा इजी चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, ये ऑलमोस्ट हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को हम फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इसको 6 नंबर पे रखा हुआ है, बराबर अदरवाइज ये चारों का तीनों का वेटेज तो इक्वल है बट इसके लिए मैंने इसको 6 नंबर पे रखा हुआ है। नाउ ये जो आपका 6 नंबर का जो यूनिट है इसमें कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो जो 8 नंबर इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर है, देर आर 3 चैप्टर्स, 8 नंबर का जो चैप्टर है वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, 9 नंबर का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड जो 10 नंबर का जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाउ ये तीनों में से कौन सा यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यस फर्स्ट यूनिट सॉरी फर्स्ट चैप्टर सेल, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको करना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको करना है। नाउ अब इसके अगर टॉपिक की बात करें कि कौन से टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करें सेल साइकिल, क्योंकि सेल के बारे में ऑलमोस्ट हम सबको मालूम होता है, बायोमोलिक्यूल्स आपको सब कुछ मालूम होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, विटामिंस क्या होते हैं, ये सारा हमको मालूम है, सेल डिवीजन कैसे होता है वो भी मालूम है, सिर्फ सेल साइकिल आपको थोड़ी अच्छी तरह से करना है। नाउ तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो सेल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आपको भूले बगैर पढ़ना है, अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम इसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड देन सेल डिवीजन, यस सेल डिवीजन पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन ये सारा आपको अच्छी तरह से करना है। ओके सिंथेसिस फेज क्या होता है, S1 S2, तो ये सारा आपको करना है अच्छी तरह से। नाउ अब जो हमारा 7 नंबर का जो हमारा यूनिट होगा, 7 नंबर का जो यूनिट होगा वो होगा हमारा इकोलॉजी, स्टैंडर्ड 12th का लास्ट यूनिट 10th, सो 10th जो यूनिट है इकोलॉजी ये इसको हमने 7 नंबर पे रखा हुआ है, इसको हमने 7 नंबर पे रखा हुआ है क्योंकि इसमें से अप्रोक्सीमेटली 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोलॉजी में से, सो 6% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इकोलॉजी में से। सो नाउ इकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, इकोलॉजी में कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर है आपके इकोलॉजी में, 4 चैप्टर है 13, 14, 15, 16 चार चैप्टर है आपके, तो जो 13 चैप्टर होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, देन 14 नंबर का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा इकोसिस्टम, 15 नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड देन जो 16 नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट 10 में वो है एनवायरमेंटल इश्यू। बट ये चार जो हमारे चैप्टर है ये चार चैप्टर में से कौन से चैप्टर से हम जो यूनिट 10 है उसकी हम शुरुआत करें, तो वो है हमारा चैप्टर 15 से हम शुरू कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो होगा आपका इकोसिस्टम,
एंड देन आपका होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन एंड देन लास्ट जो आप पढ़ोगे अगर आपको टाइम मिलता है तो पहले ये तीन चैप्टर तो पक्के कर लो, तीन चैप्टर तो पक्के कर लो, देन फिर आप दूसरा यूनिट करो और फिर टाइम बचता है तो आप एनवायरमेंटल इश्यू पे फोकस कर सकते हो, एनवायरमेंटल इश्यू पे आप फोकस कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कि ये जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट जो हमारा है इकोलॉजी, इसमें हमको टॉपिक भी मालूम पड़ेगा, सॉरी चैप्टर भी हमको मालूम पड़ेगा, बट टॉपिक कौन से टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर होता है, बच्चे ज्यादातर इसको अवॉइड कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि कभी कभी इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसको आपको थोड़ा भी नेग्लेक्ट नहीं करना है इसको आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे ही डाउट हो जाता है इनका, बराबर। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छी तरह से पढ़ो, बोरिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो इंटरेस्टिंग भी है। नाउ इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो फूड चेन के बारे में आपको पढ़ना है, फूड चेन के बारे में पढ़ना है जो हम ऑलमोस्ट 10th में भी हमने पढ़ा हुआ है, बराबर। फिर आप पढ़ सकते हो तो वो है एक्साइड टू एंड इनसाइड टू कंजर्वेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पॉलिनेशन, पर पॉलिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन आपको पढ़ना है। देन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट ये टॉपिक अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये हमारा हो गया 7th नंबर का यूनिट। नाउ जो 8th नंबर का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा स्टैंडर्ड 11th का यूनिट 4, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। जो हम 8 यूनिट देखेंगे वो होगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी का अगर हम वेटेज लेते हैं तो वो है हमारा 6%। अब आप देखोगे तो जो 12th का जो 10 नंबर का यूनिट है इकोलॉजी वो भी 6% है और प्लांट फिजियोलॉजी भी 6% है, बर और दोनों ज्यादातर स्टूडेंट के लिए बोरिंग चैप्टर होते हैं, दोनों ज्यादातर बोरिंग है, बट फिर भी आपको शुरुआत करना है इकोलॉजी से, इकोलॉजी से, क्योंकि अगर ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो इकोलॉजी में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम वेटेज देखते हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि एनटीई की कुछ सिस्टम चेंज होती रहती है, पेपर पैटर्न चेंज होती रहती है, ये जस्ट हमें एक आइडिया आता है, हमको ओवरव्यू मिलता है। अंडरस्टूड? नाउ तो जो हमारा 8 नंबर का जो यूनिट होगा प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, प्लांट फिजियोलॉजी पे हम कौन से चैप्टर पे हम ज्यादा फोकस करें, जस्ट 1 मिनट। यस, सो प्लांट फिजियोलॉजी में हम देखेंगे तो देर आर 5 चैप्टर्स, चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15। सो प्लांट फिजियोलॉजी पर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो 11 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देन मिनरल न्यूट्रिशन, देन 13 नंबर का जो चैप्टर है वो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, देन 14 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये 5 चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ये 5 चैप्टर है। अब ये 5 चैप्टर में से हम कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें, ये हमारा होता है, क्योंकि 5 चैप्टर भी काफी लेंथी चैप्टर है, हो सकता है हम सारे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो अगर सारे चैप्टर रिवाइज नहीं होते बट हमारा जो मेन चैप्टर होता है वो अगर हमारा रिवाइज हो जाता है तो एक हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यस, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी में से अगर कोई चैप्टर में से पूछा जाता है तो वो है चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसके बाद जो आपका सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एंड देन उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इसके बाद जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका चैप्टर 14 एंड देन चैप्टर 15, ये आपका हो सकता है। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि यूनिट नाइन हम देखते हैं, तो यहां पे हम टॉपिक के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि अब टॉपिक सारे
कुछ इंपोर्टेंट है कुछ नहीं इंपोर्टेंट है। नाउ जो यूनिट 9 होगा वो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 9 जो होगा वो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में से 4% आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो लास्ट यूनिट होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो फ्रेंड्स ये जो हम देखते हैं, तो नाउ जो 9 नंबर का जो हमारा यूनिट है, 9 नंबर का जो हमारा यूनिट है, वन मिनट जस्ट। सो सॉरी कौन सा यूनिट हम कर रहे थे, हाँ 9 नंबर बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे 2 चैप्टर से बायोटेक्नोलॉजी, और दोनों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी आप देखोगे स्टैंडर्ड 12th का हमारा 9th नंबर का यूनिट है। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है आपके, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, दोनों चैप्टर आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद जो हम देखते हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड 11th का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स में टोटल 3 चैप्टर है, 5, 6 एंड 7। 5 चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड देन लास्ट जो होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 5, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके ऊपर आपको फोकस करना है, देन उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे करना है, एंड देन आपका 6 नंबर का है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि हमको किसके कौन से यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपके लिए जो डू और डाई टाइप के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो करना 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 ही है आपके पास। उसके बाद होता है आपका रिप्रोडक्शन, जो आपको करना है। उसके बाद जो होता है आपका जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, एंड देन जो आपका दूसरा होता है वो होता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड देन आप दूसरे चैप्टर यूनिट कर सकते हो आप। मतलब ऐसे तो ओवरऑल सारे यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट शुरुआत हमको इस यूनिट में से अच्छी तरह से पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। इस यूनिट में जो भी एग्जांपल दिए, जो भी डायग्राम दिए, जो भी टेबल दिए, वो सारे डायग्राम, सारे एग्जांपल और सारे टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। अगर आपको आज का यूनिट बहुत अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने जो फ्रेंड्स है उनको शेयर कीजिए, बरोबर, जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालेंगे जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।